subscribe and press the bell icon to never miss another update from Nilesh Satvi Smart Education. Hello friends. So आज हम देखने वाले बहुत ही important theorem that is known as BPT basic proportionality theorem. पहले हम लोग देखेंगे कि basic proportionality theorem है क्या. तो basic proportionality theorem is if line parallel to one side of a triangle, if a line that is L parallel to one side of a triangle that is BC intersect remaining sides that is AB and AC in distinct points that is P and Q, then that line divides those two sides in same ratio or equal proportion. फिर से एक बार देखते हैं. If a line parallel to one side of a triangle intersect remaining sides in distinct points, then that divides those two sides in same proportion. That is the BPT theorem or basic proportionality theorem. अभी equal proportion का मतलब क्या है कि अगर L BC को पैरेलल है और वो रिमेनिंग टू साइड्स को टू डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये हमें प्रूव करना है. हम लोग शुरू करते हैं. अभी गिवन इज इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू BC दैट इज लाइन L इज पैरेलल टू BC. नाउ वी हैव टू प्रूव AP अपॉन PB. AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. सो वील प्रूव इट. ट्रायंगल APQ एंड PQB हैव इक्वल हाइट्स. ट्रायंगल APQ दिस ट्रायंगल एंड PQB दिस ट्रायंगल हैव इक्वल हाइट्स. तो इक्वल हाइट्स किधर है हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें तो इक्वल हाइट्स नहीं दिख रहे. तो अगर हम लोग ये अगर बेस लेते हैं, अगर ये बेस लेते हैं तो ये हो जाएगी हाइट. ठीक से देखिए, अभी ये हाइट है, ये APQ की भी हाइट है और BPQ की भी हाइट है. ओके, अगर PB बेस लेते हैं तो ये हाइट होती है. तो समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, आपको ड्रॉ नहीं करना है. अभी अगर ऐसा रहेगा तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग जब भी लिखते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स तो हम लोग कैसे लिखते हैं. सो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू. अभी उनका हाइट सेम है तो उनका रेशियो जो रहेगा वो क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर बेसिस. अभी बेस है AP इसका और इसका है PB तो हम लोग लिखेंगे AP अपॉन PB. हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेंटेंस हो गया. अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल वही रखेंगे, नीचे का ट्रायंगल चेंज करेंगे. अभी नीचे के ट्रायंगल में आप देखेंगे APQ और PQC अगर दो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं दिस वन एंड दिस वन. ओके, तो इनका हाइट क्या रहेगा, ये रहेगा. ठीक से देखिए, अगर AQ बेस रहेगा तो ये रहेगा हाइट और QC बेस रहेगा इसका तो यही रहेगा हाइट. यहां पे भी क्या है, हाइट इज सेम, दोनों का हाइट क्या है सेम है तो उनका भी रेशियो जो रहेगा एरियाज का रेशियो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू देयर बेस रहेगा. तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू. अभी क्या आएगा,
इसका और इसका एरिया अकॉर्डिंग टू देयर बेस. सो ए क्यू अपॉन क्यू सी. देखिए बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, ए दो ट्रायंगल्स को कंपेयर किया, बाद में ए दो ट्रायंगल्स को कंपेयर किया, अभी हम लोग क्या करेंगे नीचे की दो जो ट्रायंगल्स है इनको कंपेयर करेंगे. तो इनको कंपेयर करने के लिए PQ इज द कॉमन बेस हम लोग अगर ले लेते हैं कि PQ दोनों का कॉमन, इसका भी बेस PQ है इसका भी बेस PQ है, अगर PQ को हमने कॉमन बेस ले लिया तो उनका हाइट रहेगा दिस वन, तो यहां पे भी दोनों का हाइट सेम है. अगर बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQB जो कि ये ट्रायंगल है और PQC जो कि ए ट्रायंगल है, PQB एंड PQC हाइट भी सेम है बेस भी सेम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. दिस इज हमारा सेंटेंस नंबर थ्री. पहले इसके साथ इसको कंपेयर किया, फिर इसके साथ इसको कंपेयर किया, अभी दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया तो एरिया इज इक्वल. अभी अगर इनका एरिया इक्वल है तो हम लोग ऊपर के दो सेंटेंस देखेंगे, बी पी क्यू यहां पे है, पी क्यू सी यहां पे है, तो दोनों के ऊपर ए पी क्यू ही है. ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी. तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3. सो ये देख के हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू बी इज इक्वल टू ए क्यू सी अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी. तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू सेकेंड दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी. तो अभी लेफ्ट साइड हमने लिख लिया, अभी राइट साइड लिखेंगे, दैट इज वी कैन राइट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, और यही हमें प्रूव करना था. ठीक से अगर आप देखेंगे इसको तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड. बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या किया, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ इसको कंपेयर किया, बाद में ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ इसको कंपेयर किया, बाद में दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि दोनों का एरिया इक्वल है. बस हमने तीन सेंटेंस लिख दिए और हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है वो प्रूव हो गया. मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए.